आप कुछ बता रही थी। अरविंद भदौरिया, वीर सिंह भदौरिया, अरविंद भदौरिया, वीर सिंह भदौरिया, पूरा खेल रखाया हुआ, जेल से बहुत जल्दी लौट के आऊंगी। जिला अस्पताल का डॉक्टर है, जिला अस्पताल का डॉक्टर, कौन डॉक्टर है? जो है विधिक प्रक्रिया है कि जो अभियुक्त जो है कोर्ट में हाजिर होता है, तो अगर उससे कोई बरामदगी या पूछताछ के कुछ तथ्य प्रकाश में लाने हैं, किसी चीज़ की पुष्टि की जानी है, तो उसके लिए पीसीआर लिया जाता है। माननीय कोर्ट के आदेश पर जो है आज जो हमें जो पीसीआर मिला था, उसमें आरोपित जो है पूजा तोमर और अभियुक्त नीलू को कोतवाली कन्नौज लाया गया था। जो हमें पीसीआर मिला था उसमें उनसे पूछताछ की गई, कुछ तथ्य थे जिनकी पुष्टि की जानी थी। दोनों लोगों को आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई और जो भी हमें बातें पुष्टि करनी थी उसके संदर्भ में कुछ साक्ष्य संकलित किए गए, कुछ बयान इसमें निकल कर आए, उनको विवेचना में समाहित किया जाएगा और शीघ्र ही अगले 3 दिवस के अंदर इस विवेचना का निस्तारण करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाएगा और इसमें आगे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी पैरवी करके आगे की कार्रवाई करवाई जाएगी। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इन दोनों लोगों को लाया गया था, जो पूछताछ हुई है उनकी भी पुष्टि कर ली जाएगी। अभी कुछ और तथ्य अगर निकल के आते हैं तो उसको विवेचना में समाहित किया जाएगा। नहीं नहीं, अब जो हमें रिमांड पे पीसीआर लेना था वो कार्रवाई हम लोग को पूर्ण कर चुके हैं, अब इसमें जल्दी से जल्दी विवेचना का निस्तारण करेंगे हम। देखिए कुछ तथ्य मतलब ऐसे प्रकाश में आए थे कि यहाँ से कुछ बरामदगी हो सकती है, इसलिए ले गया गया था। वो एक विधिक प्रक्रिया है, उसका पालन किया गया है। देखिए आरोपित व्यक्ति तो बुआ कुछ दिन पहले कुछ अन्य लोगों पे भी आरोप लगा रही थी, कई लोगों पे आरोप लगा रही थी, जब से हैं वो अपने स्टेटमेंट को इधर उधर बताती रहती हैं। जो भी अगर उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है तो उसके संदर्भ में भी हम जाँच कर लेंगे और हमारे पास प्रॉपर जो है वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, CDR है, एनालिसिस है, CCTV फुटेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, उसके आधार पर विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा।